नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। थाना के गुजरी में शनिवार सुबह बाजार में सामान खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जब पुलिस का वाहन सायरन बजाते हुए पहुंचा तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। अचानक पुलिस का वाहन देखकर बाजार में भगदड़ मच गई। इसी दौरान ग्राम होलीमाल निवासी 65 वर्षीय टीबू पिता बुधिया बुजुर्ग भी घबराकर भागा और एक गली में जाकर गिर गया और गिरने से उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजन व क्षेत्रीय विधायक पांचीलाल मीणा ने पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस ने कोई मारपीट नहीं की। मृतक के परिजन को 20,000 रुपए तत्काल सहायता राशि दी गई। विधायक ने मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने जाँच के आदेश दिए हैं। जो घटना हुई वो घटना बड़ी निंदनीय है। पुलिस ने जिस प्रकार से टिबू भाई को मारा है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस प्रकार से पुलिस को दर्दनाक घटना तरीके से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि पुलिस को समझाने का तरीका होना चाहिए। और SGOP TI साहब के सामने इस प्रकार से अगर घटना हुई है तो ये दोषी तो SGOP और TI साहब भी है, क्योंकि भीड़ में इस प्रकार से भीड़ को बहुत ज़्यादा इतनी भीड़ भी नहीं होगी, और भीड़ होगी भी तो ये इनको कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों को। और ये जो हुआ है गलत किया है, उसको मैंने देखा तो डंडों से भी मारा, उसमें निशान है डंडों के मुंह पे और उसमें उसके गाल में भी दो जगह निशान है, उसके चोट के निशान है। तो मैं SP साहब और कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसकी जांच यहाँ लोकल के डॉक्टर के अलावा इसकी जांच जिला अस्पताल से हम करवाएंगे। और आगे जिन लोगों के सामने इस प्रकार से घटना घटी और जिन्होंने ये गलती करी उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और आज सुबह गुजरी में सब्जी का बाजार लगा था और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रक्रिया है उसको फॉलो कराने के लिए SGOP धामनोद और TI धामनोद और उसकी टीम गई थी। जैसे ही पुलिस की टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ लोगों में हड़बड़ मची और कुछ लोग भागे। उसके बाद जब ये पूरा वहाँ पर सिस्टम जमाने के बाद टीम वापस लौट रही थी तो ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है ज़मीन पे पड़ा हुआ बेहोश है। तो उसको पुलिस ने वहाँ से रिकवर किया और हॉस्पिटल पहुँचाया, लेकिन कुछ देर बाद उनकी डेथ हो गई। अभी मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें हमने अभी टीम्स लगा दी और उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें फैक्ट्स क्या हैं, कि उसको जांच के बाद ही बताया जा सकता है। क्योंकि अधिकारी अपना काम करने गए थे और सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स कराना इतना ईजी नहीं होता, तो वहाँ गए क्या सिचुएशन हुई अभी हम स्पॉट पे भी जा रहे हैं तो देख के उससे और क्लियर होगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। PM के बाद क्लियर होगा, अभी क्योंकि मामला विवेचना में है तो सब कुछ अभी कहना संभव। सर, PM यही की पैनल कर रही है, धार से कुछ नहीं, यही के डॉक्टर्स हैं, तीन डॉक्टर का पैनल भी आ रहा है। पिताजी मेरे पापा क्या अपना गुजरी सामग्री लेने आए थे राशन का। अच्छा, कितने बजे? ये 6:30 बजे निकले थे तो 7:45 बजे गुजरी आ गए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब सर ये तो आया तो बता रहा था जीजा गया कि पुलिस वाले आए 3-4 गाड़ी लेके और मारना शुरू कर दिया। मारा है सर उसको, क्या भागा, भागने का तो मौका ही नहीं मिला, थोड़े आगे गया जब ये अपने सोनू सेठ की दुकान के सामने तो निकले थे, यहाँ से निकले और इधर अपने ये सोनार वाली गली है कि मंदिर के पास तो इन्होंने लुटका ही दिया इसको। पुलिस की मार से मरे सर, पुलिस ऐसा कोई बीमार व्यक्ति थोड़ा था वो, ठीक है बीमार था कि क्या था उनकी, उनकी करीब 60-65 साल। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।